तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एफसी में। और आज किस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड देखेंगे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर एग्जाम से लेके। इसमें देखिए, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसमें जो है आपकी वेटिंग लिस्ट जो आने वाली है, डेफिनेटली आने वाली, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तब भी नहीं था। ढेर सारे स्टूडेंट कमेंट था कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं आया कि नहीं, लेकिन मैंने उसी टाइम आपको डेफिनेटली बताया था। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका चयन फाइनली इसमें नहीं किया गया, वजह इसमें सब कुछ दे रखा है, डिटेल्स में आपको बारी बारी से बता देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें ये दे रखा है कि जो 3210 पोस्टों पे चयन किया गया था, इसमें है कि आपका अर्हता अभिलेख परीक्षण संज्ञानित हुआ कि 170 ऐसे अभ्यर्थी जिनके अर्हता विज्ञापन उल्लिखित ITI ट्रेड से भिन्न है। ठीक है, ये जो डिप्लोमा वालों का प्रॉब्लम है वो सेम चीज़ यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, इन्होंने पहले इस चीज़ को घोषित कर दिया है। और कुछ चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति अभ्यर्थियों के अंक पत्र प्रमाण पत्र विज्ञापन सबमिट करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत है, या विज्ञापन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्थाधारित करते हैं। ठीक है, इसके बाद की, जैसे किसी का ITI कंप्लीट हुआ तो वो जब इस वैकेंसी आई थी तो उसके बाद हुआ, कुछ ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, तो ये इसमें निर्गत विभिन्न ट्रेड के प्रमाण पत्र हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो कुल मिला के ये है 170 अभ्यर्थी ये, और 444 अभ्यर्थी ये हैं जो 27 से 29 तक के बीच में अभिलेख सत्यापन नहीं करवा पाए थे, जो छूट गए थे बच्चे। ठीक है, तो इनको भी बुलाया जा रहा है, और इनसे 20% अधिक करके। ठीक है, जितना ये स्टूडेंट बचे हुए हैं उनसे 20% अधिक करके, तो टोटल मिला के, कुल मिला के यहाँ पे जो है 783 अभ्यर्थियों का चयन फिर से किया जाएगा। चयन क्या, कुल मिला के इनको DB के लिए बुलाया जाएगा, बहुत ही जल्द बुलाया जाएगा। हमारे चैनल से लगातार बने रहे, मैं आपको पूरा अपडेट इन्फॉर्मेशन और सारे इससे रिलेटेड जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मैं वो सब अपने पूरे पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कटअप, क्योंकि ये सब पूरा आपके लिस्ट है, आप नंबर से चेक कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। टोटल ये 783 बच्चों का, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा कटअप। इस कटअप में ये देखो यहाँ पर रखा है 38 जनरल की, और कुछ बच्चों का था कि जो मुझे बहुत दिन से मैसेज कर रहे थे कि सर मेरे मार्क्स 38 हैं, 40 हैं या 35 हैं OBC में, तो मेरा चयन हो पाएगा नहीं। तो मैंने उनको पहले ऑलरेडी दे रखा था कि कट ऑफ जो भी होगी अब डाउन होके आएगी जिनका चयन होना होगा। तो ये रही कट ऑफ, यहाँ से आप देख सकते हैं महिला के लिए काफ़ी कम कट ऑफ रखी गई है, जिसमें महिलाओं का चयन भी अक्सर ज़्यादातर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 25 रखे हैं। ठीक है, इस ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जो आपको जानकारी देनी जरूरी थी, बहुत ही मस्त था, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है सर कि कुछ अपडेट हो तो बताइए। तो ये अपडेट निकल के आई है फ्रेंड्स, और जैसा कि आप 16 तारीख को जाने वाले तो आप वहाँ पर जाएंगे और भी जो आपकी डिटेल्स बची हुई है वो यहाँ पर पूछेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।